अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी नोट्स पीजी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपका बायोलॉजी सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और इसके पहले मैं आपको सेट ए का सॉल्यूशन दे चुका हूं, और साथ में सभी सेट का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। तो जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो बेल आइकन प्रेस करके रखना, तभी आपको वीडियो मिल पाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट ए में प्रश्न क्रमांक एक दिया हुआ था, पूरी कॉपी है, पूरी की पूरी कॉपी आपको दिखाने वाला हूँ, संपूर्ण सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, साथ में इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे मैंने सही विकल्प बता रखे थे। तो सही विकल्प खालिस्तान सब कुछ बता दिया था मैंने। अब पाँच नंबर वाले क्वेश्चन से हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। पाँच नंबर वाले क्वेश्चन के बाद से मैंने नहीं बताया था, तो आप देख सकते हैं पाँच नंबर वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं इसको, यह बहुकोशिकीय से आपको स्टार्ट करना है और रहते हैं तक लिख देना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना चाहे आप देख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक छः दिया हुआ है, तो प्रश्न क्रमांक छह का हमने अथवा किया है। तो इसमें आपको जल के दो मुख्य लक्षण लिखने थे, तो आप देख सकते हैं पहला दिया हुआ है और दूसरा दिया हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से आपको भर देना है इसको। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सात दिया हुआ था, ऑक्सीजन के कार्य लिखने थे। तो यहां पे पहला दिया हुआ है ऑक्सीजन का कार्य और दूसरा दिया हुआ है, तो ये आपको भर देना। और आठ में आपको खुले एवं बंद परिसंचलन तंत्र में अंतर लिखना था, तो तीन अंतर यहां पे मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप वीडियो रोककर लिख सकते हैं इसको। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका नौवां दिया हुआ था, तो नौमा में आपको आरएनए एवं डीएनए में अंतर लिखना था, तो मैंने यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया। आप देख सकते हैं आरएनए एवं डीएनए में अंतर, तो ये आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद आपका ग्यारहवां दिया हुआ था, तो ग्यारहवां में आपको कार डेटा एवं नॉन कार डेटा में अंतर लिखना था, तो कुछ इस प्रकार से आपको पूरा अंतर लिख लेना है। देख सकते हैं आप चार अंतर दिए हुए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका दसवां क्वेश्चन दिया हुआ था, तो दसवां में आप श्वसन एवं नह श्वसन में अंतर लिखना था, तो आप देख सकते हैं दो अंतर दिए हुए हैं, तो ये आपको। नेक्स्ट आपका बारहवां किया है, तो बारहवां में भी अंतर लिखना था, तो चार अंतर हमने लिख दिए हैं। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको अंतर लिख देने हैं। आपका तेरहवां क्वेश्चन दिया हुआ था, तो तेरहवें में भी आपको अंतर लिखना था, समसूत्री तथा अर्धसूत्री में अंतर लिखना था, तो आप देख सकते हैं पूरा दिया हुआ है, चार अंतर यहाँ पे, तो ये ऐसे की ऐसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चौदहवां क्वेश्चन दिया हुआ था, तो चौदहवां में C3 पौधे एवं C4 पौधों में अंतर लिखना था, तो आप देख सकते हैं पूरा C3 पौधे और C4 पौधों में अंतर दिया हुआ है, तो इसको भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका पंद्रहवां क्वेश्चन दिया हुआ था, तो पंद्रहवें में आपको चित्र बनाना था, तो आप देख सकते हैं पूरा चित्र बना दिया है, तो इसको पूरा आप देख लीजिए और इसी प्रकार से आप पूरा चित्र बना लीजिए। पंद्रहवें का अथवा है। अथवा क्वेश्चन दिया हुआ था, तो आप देख सकते हैं रक्त का संगठन और रक्त के कार्य दिए हुए थे, तो कुछ इस प्रकार से आपको ये पूरा सोलहवां क्वेश्चन लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका सत्रहवां क्वेश्चन दिया हुआ था, तो सत्रहवें क्वेश्चन में भी आपका अंतर था, ऑक्सी श्वसन और अनॉक्सी श्वसन में अंतर, तो कुछ इस प्रकार से आपको पाँच अंतर इसमें लिख लेने हैं। सत्रहवें क्वेश्चन में ऑक्सी श्वसन एवं अनॉक्सी श्वसन में अंतर, कुछ इस प्रकार से आपको कॉपी मैं दिखाते जा रहा हूं। इसके बाद नेक्स्ट आपका अठारहवां क्वेश्चन था, धमनी एवं सिरा में अंतर, तो कुछ इस प्रकार से आपको धमनी एवं सिरा में पूरे अंतर लिख देने हैं। पांच अंतर यहाँ पे दिए हुए हैं, तो पांचों अंतर आपको धमनी एवं सिरा में लिख देने हैं। क्वेश्चन प्रकार से मैंने आपको संपूर्ण सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। चलिए आप देखते हैं इसकी पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करेंगे। बच्चे, इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लेना होगा। जैसे ही आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इसको ओपन करना है आपको। जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको ये सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको स्टडी नोट्स पीजी सर्च कर देना है, आपको ये दिख रहा होगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको 1200 से ज़्यादा विद्यार्थी इस पर जुड़े दिख जाएंगे, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना है। इसी पर मैं संपूर्ण पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूँगा।